दूसरी बार है कि मैंने अपना टिकट स्लीपर में करवाया था और अपग्रेड होके हुआ है एसी में चुका है। वैसे ये 6 बज रहा है, काफी रेयरली कभी इतना सुबह उठ पाते हैं। ये अप्रैल फूल डे होता है, बहुत ही बकवास दिन होता है, हमको थोड़ा भी पसंद नहीं है। असल में पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे बर्थडे के एक ही दिन पहले आता है, इसीलिए। पता चला कि उमर भाई ने नया फोन ले लिया है, तो उमर भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी अपना केक वेक सब आ चुका है, नीचे रखा गया है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जान सकते हैं, हम लोग आए हुए थे अभी घर और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और गाइस, हाँ, ये तीसरी बार है कि मैंने अपना टिकट स्लीपर में करवाया था और अपग्रेड होके हुआ है एसी में। अब तो मान लो भाई कि मेरा यूट्यूबर होने का फ़ायदा यहाँ पर मिलता ही है भाई, नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि था तीसरी बार भाई, और इस बार था लोअर बर्थ पे हुआ भाई, दोनों बार अपर हुआ था, तो इस बार ये अच्छा चीज़ है। बाकी हम सोचे थे लोअर पे रहेगा तो रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन रात के समय में अब क्या ही रिकॉर्डिंग करें, कुछ दिखेगा ही नहीं बाहर का, तो इसीलिए सोना ही अच्छा होगा। सही पकड़े हैं। बाकी ये देख सकते हो यहाँ पे सुबह हो चुका है, हम लोग का शीशा काफ़ी गंदा है इसलिए दिख नहीं रहा है। बाकी ये देख सकते हो सूरज निकल चुका है। वैसे ये 6 बज रहा है, काफ़ी रेयरली कभी इतना सुबह उठ पाते हैं। और हम लोग उतर चुके हैं और अब चल रहे हैं हम लोग हॉस्टल। और ये ऑटो वाले भैया बिना 10 लोगों को बैठाए चलेंगे ही नहीं भाई, तो इनका अलग ही टेंशन है। बाकी आफ्टर 30 मिनट्स ये चल चुके हैं। और यहाँ पे सब कोई मॉर्निंग वॉक भी करता है भाई, ये भी होता है क्या? हम लोग तो खैर 9 ही बजे उठते हैं, तो मॉर्निंग वगैरह हम लोग का निकल जाता है। बाकी अब हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज, और बस 10-15 मिनट नहीं, 5 मिनट में हॉस्टल के अंदर। और अब मिलते हैं आप सभी से हॉस्टल के अंदर। सो भाई लोग, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल। बाकी काफी गजब का रहा सफर। वैसे मेरे साथ कुछ ज्यादा ही मेरा लक काम कर जाता है, मतलब कि 3 बार हम टिकट करवाए, तीनों बार स्लीपर में हुआ है, लेकिन वो अपग्रेड होके एसी में हो चुका है, ये काफी अच्छी बात है। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ हॉस्टल। अब सोच रहे हैं आज का क्लास कर लें, क्योंकि और 8-9 दिन ही है, उसके बाद थर्ड आईटी है, उसके लिए अटेंडेंस भी मेंटेन करना होता है, तो इसलिए आज का हम लोग क्लास कर ले रहे हैं। वो अभी जाएंगे, उसके लिए फ्रेश हो जाएंगे। बाकी वैसे आज 1 तारीख है ना, आज वैसे ये अप्रैल फूल डे होता है, बहुत ही बकवास दिन होता है, हमको थोड़ा भी पसंद नहीं है। असल में पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे बर्थडे के एक ही दिन पहले आता है, इसीलिए। कल जन्मदिन है भाइयों, तो बाकी अभी चला जाए फ्रेश हो जाए, अभी चला जाए कॉलेज। बाकी गर्मी बढ़ चुकी है, इसी दिन का इंतजार था। गर्मी पड़ रहा है, अब ठंडी नहीं लग रहा, अब कंबल नहीं ओढ़ना पड़ेगा। चलो भाई लोग, फ्रेश होकर मिलते हैं। 1 hour later। तो भाई लोग, फाइनली हम लोग आ चुके हैं नहा धोवा के। बाकी आके यहाँ पे ये पता चला कि उमर भाई ने नया फोन ले लिया है, तो उमर भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और उमर भाई आ जाइए यहाँ पे, आ जाए, आ जाओ उमर भाई। और गाइस, कैसा हाल चाल? सब बढ़िया? कमेंट्स में बता रहा, क्योंकि ऐसे तो बता, ये वीडियो कॉल चल नहीं रहा है। बाकी नया फोन ले लियो, इसके लिए पार्टी मांगते हैं, लेकिन फिर सोचे इस महीने बर्थडे ही आ रहा है, उसी में सब कवर अप हो जाएगा, उसी में निकाल देगा। अरे नहीं, बर्थडे में सब निकल जाएगा, बर्थडे कुछ तो एक और है ना, दो पार्टी है। तो और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम तीनों लोग का बर्थडे अप्रैल में ही पड़ता है, और इसका और गौरव भाई का बर्थडे तो सेम डेट पे ही पड़ता है भाई, तो ये शायद से ऊपर से लिखित था कि हम लोग रूममेट ही बनेंगे। ओह हाय हाय, इतना सुकून। क्या पता। ताकि अब चलते हैं हम लोग कॉलेज। उमर भाई अपना नया वाला फोन दिखा दो। ओ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वाह, आईफोन का ऐसा बोल गया, एस्थेटिक वाली फोटो ले लीजिए भाई, एस्थेटिक की 14। चलो गाइस, चलते हैं कॉलेज। और भाई लोग, हम लोग आए थे अभी एडमिन, क्योंकि इस समय सेमेस्टर आ रहा है ना, तो फॉर्म वॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, मेरे साथ तो काफ़ी ज़्यादा ही हो रहा है। बाकी अब हम लोग चल रहे हैं हॉस्टल, क्योंकि क्लास वगैरह करने का अपन मन नहीं कर रहा है, तो हॉस्टल चल के बस ये खाना पीना खा के अब जाके ऊपर सो ही जाना है, क्योंकि और देख सकते हैं यहाँ पे हवा कितना ज़्यादा चल रहा है भाई, मतलब उड़ मच जाए। भाई लोग, फाइनली हम लोग आ चुके हैं कॉलेज से। बाकी अभी एक आध क्लास तो बचा हुआ है, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था करने का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं हॉस्टल।
बाकी वैसे ये वाला टी शर्ट देख सकते हो भाई, ये बहुत कम लोगों को याद होगा, लेकिन इसी टी शर्ट से मैंने इस चैनल पे पहला वीडियो बनाया था, और आज पता नहीं कितना वह ब्लॉग होगा, कुछ 80-81 कुछ ऐसा ही ब्लॉग होगा। मतलब ये टी शर्ट, अब फिर गर्मी आ चुका है, फिर हम लोग टी शर्ट पहनने लगे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। अब बस बस गर्मी में हवा बहुत चल रहा है भाई, मतलब कि समझ लो कि अगर आगे से आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है जब लोकी का सीजन 2 में जो लास्ट वाला सीन था ना, जब लोकी जाता है और उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, वैसा फील हो रहा है। और अगर पीछे से आ जा रहा है तो तुम 2-3 स्टेप आगे चले जा रहे हो, तुमको खुद से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी काफी ज्यादा यहाँ पे गर्मी वगैरह पड़ेगा, अभी अभी तो अप्रैल ही है, आज अभी 1 ही तारीख है। बाकी ठीक है गाइस, अब आराम वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं रात में क्या सीन। तो भाई लोग फाइनली हम लोग आ चुके हैं, वैसे खाना पीना तो खाए नहीं, बस लस्सी पी के आ चुके हैं। बाकी अपना केक वेक सब आ चुका है, नीचे रखा गया है, 12 बजे केक कट जाएगा भाई। और वैसे कई के लोग बर्थडे नहीं मनाते भाई, तो हमारे हिसाब से बर्थडे मना लेना चाहिए भाई, साल में कुछ ही दिन बढ़िया आते हैं, उनमें से त्योहार वगैरह यही सब बर्थडे वगैरह होते हैं, तो मनाना चाहिए भाई, जो लोग नहीं मनाता है वो मनाना चाहिए, बाकी अपनी इच्छा है, बाकी हम तो मनाएंगे भाई, हम तो मनाएंगे। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, अब कल कल का व्लॉग नहीं, वैसे आज 12 बजे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 12 ही बजे केक वगैरह कटाएगा, फिर कल देखा जाए कल और क्या क्या होता है। बाकी आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें गाइस।